तब कर रहे थे ना, तो तब करते समय उनके साथ कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग बढ़िया होंगे। बड़ों को प्रणाम और छोटों को हेलो। सो दोस्तों, जैसे कि आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको मैं बता दे रहा हूँ, आज का जो मेरा ब्लॉग है ऑल इंडिया टूर के ही ऊपर आता है। तो आज मैं आ चुका हूँ अपना उधम सिंह नगर रुद्रपुर अपने घर में। तो आज हम उधम सिंह नगर के मतलब फेमस जगह में जाते हैं। एक तीर्थ स्थल ही है जो हमारे सिख्स भाई हैं, मतलब जो सिख हमारे पंजाबी भाई हैं, आप लोग ने नानक मत्ता का नाम सुना होगा, श्री गुरुद्वारा साहिब। तो आज हम जाएंगे नानक मत्ता गुरुद्वारा में। तो नानक मत्ता गुरुद्वारा के बारे में आपको छोटे बहुत बातें बता देता हूँ, पर उससे पहले आपको छोटा सा थैंक यू, क्योंकि आपने मेरे पिछले ब्लॉग के लिए बहुत बहुत मतलब इतना प्यार दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सो दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपके नानक मत्ता के बारे में बताने के। तो आज हम जा रहे हैं नानक मत्ता। तो नानक मत्ता ऑल इंडिया टूर में भी कवर करना था, तो आज आपको दिखाता हूँ नानक मत्ता में क्या क्या होता है और किस लिए नानक मत्ता फेमस है। तो अभी चलते हैं हम डायमंड की ओर, बाकी कहानी आपको नानक मत्ता के बारे में मैं डायमंड बताऊँगा। तो मिलता है आपको सीधे डायमंड में। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था मैं डायमंड में आऊँगा, तो अभी आऊँ पेट्रोल पंप में। पेट्रोल पंप में थोड़ा हवा हवा भरवा लेते हैं, तो फिलहाल हवा हवा भर रही है अभी, और साथ ही साथ अपनी खड़ी है डायमंड। तो मैं आपको बता रहा था मैं नानक मत्ता साहेब जा रहा था। तो नानक मत्ता साहेब की कुछ ये है कहानी कि जो हमारे गुरु नानक देव जी है ना, तो वहाँ पर सबसे पहले वो तप मतलब तो तपस्या करी थी, तो वो आपका नानक मत्ता में करी थी। तो जो हमारे सिख्स भाई हैं या पंजाबी भाई हैं, उनके लिए बहुत पावन मतलब पवित्र जगह है। तो यहाँ पर आपका इंडिया से नहीं मतलब बाहर के लोग भी आते हैं, मतलब पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, सब लोग ऐसे आते हैं। तो आज है आपका गुरु पूर्णिमा, तो अब हम चलते हैं आपका नानक मत्ता की ओर और आपको थोड़े बहुत रास्ते की सिनेमैटिक, साथ ही साथ आपको ऑल इंडिया टूर कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं आपका नानक मत्ता, और आपको कैसा लगा नानक मत्ता के एंट्रेंस? और तो चलते हैं गुरुद्वारा साहिब की ओर, और तो पीछे खड़ी हमने डायमंड खड़ी, और आज अपने साथ आया भाई कौशल भाई और अपनी एडिटर वीडियो एडिट करने वाली काजल, और साथ में पिताजी हैं। तो अब चलते हैं आगे की ओर, अब चल रहे हैं नानक मत्ता। आपको दिखा देता हूँ गुरुद्वारा कैसे देख रहा है, तो आपको गुरुद्वारा का थोड़ा नज़ारा दिखाता हूँ, और फिलहाल काफ़ी भीड़ है इस जगह पर। तो ये है कुछ गुरुद्वारे का नज़ारा, तो आपको दिखाता हूँ गुरुद्वारे का नज़ारा। लगा आपको गुरुद्वारा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, और जो बोले सोनिया तो लिख दीजिएगा एक बार शास्त्री अकाल के साथ। तो फिलहाल
और यह है कुछ अभी आपका जो गुरुद्वारे के आसपास का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। तो यह है कुछ नज़ारा, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर, और आज गुरु पर्व है तो कुछ ऐसा है नज़ारा भी। देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। अब हम पहुँच चुके हैं गेट पे, आपको गेट पर कुछ नज़ारा दिखा दूँ। और ये है आपका नानक मत्ता का गुरुद्वारा, गुरुद्वारा तो है इसका गेट। तो हम पहुँच गए गेट पर, चलते हैं सीधे अंदर। यू फाइनली गुरुद्वारे के अंदर, और गुरुद्वारे में गेट में कुछ ऐसा है नज़ारा, साथ साथ आपको दिखाता हूँ गुरुद्वारे में क्या क्या चीज़ रखी हुई है। तो नज़ारा है ना, जिस तरह आपके शूज वगैरह रखे जाते हैं गुरुद्वारे में। और यहाँ पर भी हम चलते हैं अंदर की ओर, और इस तरफ भी मतलब आपका जो सामान वामान होता है ना, बैग वगैरह वो सब रखे जाते हैं। और कुछ मतलब अपने साथ, मतलब जो आज यहाँ पे नगर कीर्तन निकलेगा ना गुरुद्वारे में, तो कोशिश करूँगा कवर करने की। तो फिलहाल अभी चलते हैं अंदर की ओर, तो अपने चले अंदर पे। तो यहाँ कुछ लोग तो खुद ही मतलब प्रॉपर सेवा कर रहे हैं, ज़रा मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपको देखो मम्मी ने थोड़ा साफ़ सफाई के लिए हर जगह रहती हैं, तो मम्मी भी कह रही मैं भी थोड़ा सेवा कर लेती हूँ ना, तो मम्मी सेवा करने के लिए दिखा। अपने पैर अच्छे तरीके से गुरु नानक भाई, तो ये है आपकी एंट्रेंस गुरुद्वारे की। पहुंच गए आपके गुरुद्वारे के अंदर, तो जो गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब है जहाँ गुरु नानक जी ने तपस्या करी थी ना, तो उस जगह पे हम फिलहाल जस्ट सामने पहुंच गए। तो आपको दिखाता हूँ मैं वो जगह, तो फिलहाल अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है, तो आपको कोशिश करूँगा कि वहीं बाहर से आपको दिखाऊँगा अंदर का नज़ारा यहाँ से। तो ये है गुरु नानक जी के अंदर के पास, और कुछ ऐसा है नज़ारा चारों तरफ से। तो पूरी फैमिली हमारे साथ आई है, मम्मी पापा चाचा चाची सब लोग आए आज। थोड़ा मतलब उसको कुछ काम था, तो काम के लिए गया है, तो आप सब बाहर उसकी मुलाकात करवाएंगे। फिलहाल मैं कर चुका हूँ गुरुद्वारे के दर्शन, और आपको भी मैंने करवा दिए। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पीछे है मेरा एक बरगद का पेड़, तो उसके बारे में जानेंगे, पीपल का पेड़ है तो उसके बारे में मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो फिलहाल काफ़ी यहाँ पर मज़ा आ रहा है मुझे, साथ में काजल पता नहीं क्या देख रही है। तो ऐसे कुछ है आज का नज़ारा। तो इंडिया टूर में आपको मैंने करवा दिया है इंटरनेशनल जो नानक मत्ता है ना उसका आगमन, मतलब धीरे धीरे अभी आपको जो मैंने वृंदावन का टूर करवाया था इसके बाद करवा दिया आपको नानक मत्ता का। तो इसके बाद तो हम चलेंगे आपका लखनऊ या वाराणसी जो कुछ दिनों बाद आएगा। तो धीरे धीरे करके मैं इंडिया कवर कर रहा हूँ फिलहाल। तो अभी आपको लोगों को पता है कि इंडिया टूर करना इतना आसान नहीं होता, हर बार आपको कुछ नई नई पढ़ना पड़ता है इधर उधर जाने से पहले, तो वही चीज़ कर रहा हूँ। तो फिलहाल अभी मिलते हैं आपको। आपका गुरु नाना जो नानक मत्ता का मेन गुरुद्वारा है, तो यह है कुछ आज का नज़ारा। और फिलहाल मेरे पीछे है सरोवर, तो सरोवर को जो जानकारी है ना बाहर जब निकल जाऊँ प्रॉपर तरीके से आपको बता देता हूँ। तो यह है कुछ आज गुरु नानक देव का नज़ारा। तो जैसे कि आपको बता रहा था ना कि रोचक बात, तो रोचक बात मेरी ये है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा गुरुद्वारा आपका नानक मत्ता साहेब है, और उसके बाद हेमकुंड साहेब है जो सबसे ऊँचाई पर है। तो फिलहाल आपको ये जानकारी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम निकलते हैं गेट से बाहर की ओर, तो गेट से बाहर निकल चुके हैं, और मेरे पीछे रहा आपका बड़ा नानक मत्ता गुरु।
डायमंड के पास, तो डायमंड को देखते हैं डायमंड कैसी है। तो फिलहाल ये पार्किंग में आ चुका हूँ, तो पार्किंग देखो भाई कितनी सारी गाड़ियाँ भाई, चारों तरफ की गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। हम लोग छोटी सी पार्किंग यार, बहुत चल जाना पड़ रहा था। तो फिलहाल अभी डायमंड गाड़ी है इधर, तो बैठते हैं डायमंड में और निकलते हैं यहाँ से, फिर देखते हैं अभी थोड़ा सा कहीं और भी चले। तो फिलहाल अभी डैम की तरफ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था ना कि मेरा यहाँ पे हो चुका काम, तो हम निकलते हैं गुरुद्वारे से। जैसे गुरुद्वारे से निकलते हुए हम चलते हैं नानक सागर की ओर। तो नानक सागर, जैसे कि आपको मैं बता रहा था कि ये जो डैम है, तो डैम की पूरे को जो जानकारी देता हूँ, इसके इतिहास के बारे में क्या बताऊँ, तो क्या बताऊँ, क्या बता ही देता हूँ आप लोगों को। क्योंकि ये जो मेरा ऑल इंडिया टूर है, आप लोगों को बढ़िया लग रहा होगा, तो ये भी एक इंटरनेशनल टूर में ही आता है। मतलब ये नहीं कि ये छोटी मोटी जगह है, यहाँ विदेशों से लोग आते हैं भाई। हमारा जो उत्तराखंड है, इतना मज़ा आता है लोगों को, मतलब विदेश के भी। आज तो फिलहाल कोई मिला नहीं, इससे पहले जब मैं पहले बार आया था तो बहुत लोग मिले थे, तो उस टाइम मैं मतलब ब्लॉगर नहीं था। तो अभी तो स्टार्ट किया जो ऑल इंडिया टूर का, तो आपको इस डैम की बढ़िया तरीके से इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। तो इन्फॉर्मेशन में कुछ ये बात है कि ये कहा जाता है ना लोकल लोगों द्वारा, जो मैंने बात बात करी थी कुछ लोगों से, तो वो लोग बता रहे थे कि आपका जो है नानक डैम है ना, तो नानक डैम कैसे बना। तो नानक डैम बोलते हैं जब गुरु नानक जी हमारे तपस्या करते अपने शिष्यों के साथ, जो शिष्य थे तो शिष्यों को बोला गया था जब तक मैं तपस्या करूँगा तब तक कोई भी जो ये जो डैम है ना, डैम की जो वो पानी दिख रहा है, इस पानी को पहले से सरयू नदी का बोला था, सरयू नदी बहती थी। तो सरयू नदी को जब तक प्रवाह चलेगा, जब गुरु नानक जी ने बोला जब तक नदी चल रही है तब तक कोई भी पीछे मुड़ के नहीं देगा, जब तक मेरी तपस्या चल रही है। तो फिलहाल जैसे तपस्या चल रही थी, तपस्या चलते चलते अपने साथ उसमें एक शिष्य, अब जानती है शिष्य कितना करेगा करेंगे, एक शिष्य ने पीछे मुड़ के देख लिया। तो उसके बाद पीछे मुड़ने के बाद आपका जो डैम है ना, डैम का जो हिस्सा है फिलहाल, वो धीरे धीरे तो शिष्यों ने, जो शिष्यों में से एक शिष्य ने पीछे मुड़ के देख लिया नदी को, तो नदी का प्रवाह ना धीरे 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 रुकने लगा। तो प्रवाह रुकने लगा तो, और आप इधर देखो कितनी बड़ी झील है यार, मतलब उस डैम के हिसाब से पानी धीरे धीरे, जो नदी का पानी आता ना, वो धीरे 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 रुकता गया। तो रुकने के बाद ये झील के रूप में परिवर्तित हो गया। तो फिर गुरु नानक जी ने बोला कि यहाँ पे जो स्नान करेगा, मतलब जो हमारा पंजाबी भाई है, उनके लिए मतलब पवित्र स्थान होगा। और मेरी ये मतलब पहला, जब उन्होंने तपस्या करी थी ना, तो तपस्या करी उन्होंने और उसके बाद ये झील का निर्माण किया गया। और ये जो झील है, इसको हम तो ऐसा डैम बोलते हैं, और उत्तराखंड के साथ सबसे बड़ा टहरी के बाद यही है डैम, टहरी डैम के बाद सेकेंड नंबर में शायद। तो यहाँ से आपका बरेली, आपका हो गया रामपुर, खटीमा, चंपावत और उधम सिंह नगर, बहुत सारे गांव हैं वहाँ पे इतना पानी आता है। और दूसरी चीज़, अपने भी जितने कुमायूं रीजन है ना उत्तराखंड में, तो यहाँ की सारी मछली सप्लाई होती है। आप लोगों को पता था ये चीज़? अगर आपको नहीं पता था तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये नारक मत्ता से पहाड़ों में मछली जाती है। एक तो होती है ना पहाड़ों में, जो पहाड़ों से मछली जाती है, काली नदी हो गई, आपकी सरयू नदी हो गई, अलग अलग तरीके से बात है, बट यहाँ से जो सप्लाई होती है ना वो पूरी जगह जाती है। और हाँ, साथ ही साथ ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हो, अभी तो फिलहाल ये ना बंद है, जब मानसून के टाइम पर ना, वो जो नीला वाला हिस्सा देख रहे हो, जूम आउट करके ना, तो वो जो जो नीला वाला हिस्सा, वहाँ तक पूरा पानी आता है। मतलब जब पानी भरता है तो मतलब उसको पानी निकलता है, और इसके साथ सिंचाई का काम, बिजली का काम, सब कुछ किया जाता है। तो इसको लगभग लगभग आपके 60 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ना जरूर कीजिएगा कि ये जो मेरा इंडिया ट्रैवल वाला ब्लॉग चल रहा है कैसा लगा। इसके बाद चलेंगे हम आपका बनारस या लखनऊ, तो देखते हैं, तो कुछ दिन बाद वो ब्लॉग आएगा, तो मिलते हैं आपको आगे। मारा था, 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 मारा
बता रहा था ना कि मैं जब शादी में हूँ, तो फिलहाल मैं भी आ गया हूँ शादी में। तो कुछ खतरनाक पार्टी चल रही है। हिमांशु भाई कॉन्ग्रेचुलेशन भाई तुझे शादी की। तो फिलहाल ऐसे कुछ चल रहा है माहौल। दोस्तों फाइनली आ चुका हूँ मैं अपने घर। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा एक बार मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सोच रहे हो मेरी आंखें लाल क्यों हो रही है यार, रास्ते में ना इतनी आंखों में लाइट है लाइट है। एक्चुअली मुझे एक शादी में भी जाना था, तो ब्लॉग पूरा मैं वहाँ को दिखा नहीं पाया क्योंकि यार शादी में हम जानते हो कचर बचर कचर बचर कचर बचर। तो फिलहाल आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा और नानक पत्ता के बारे में आपको इतनी सारी जानकारी थी या नहीं थी एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप जिसको नानक पत्ता आना है ज़रूर आना यार, बहुत बढ़िया जगह है। तो मिलते हैं आपको आगे वाले ब्लॉग्स में। और थैंक यू इंडिया ट्रैवल के वीडियोज़ देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियोज़ देख रहा है ना, इसमें लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को यूं ही आगे बढ़ाते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।